नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 अगस्त मंगलवार का दिन है, और अगर आपका आज के दिन आपका हैप्पी बर्थडे है तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि हम सुबह सुबह आपके राशिफल के साथ हाजिर हो जाते हैं, लेकिन साथ के साथ हम चाहते हैं कि आपका बर्थडे बहुत अच्छा होना चाहिए। और बर्थडे नहीं, सिर्फ पूरा साल आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। और इसी की कामना के साथ हम आपके लिए विशेज भी लेकर के आती हैं। मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपने एक काम ज़रूर करना है, छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। उससे पहले आपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही आपके जीवन के अंदर हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। और जन्मदिन का समय ऐसा होता है, कहते हैं कि जितना आशीर्वाद ले लें अनमोल होता है, इसका मोल नहीं लगा सकते, बट इसकी एनर्जी पूरा साल आप अपने इर्द गिर्द पा सकते हैं। तो इसलिए बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें। उपाय क्या करना है, तांबे का एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए। इसे आप लोटा भी ले सकते हो, बाउल भी ले सकते हैं, गिलास भी ले सकते हैं, कटोरी भी ले सकते हैं, यानी कोई भी बर्तन, बट हो तांबे का ही। तांबे का बर्तन लेकर के उसमें गुड़ भर लीजिए और इसे किसी भी पूजा स्थान में जा कर के आप अर्पित कर दीजिए, भगवान के सामने रख दीजिए। आपके जीवन के सारे कष्ट तो हट जाएंगे, लेकिन साथ के साथ आपकी ज़िंदगी में मिठास घुलेगी, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा होगी। सो मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अब बढ़ते हैं आगे कि हम भोलेनाथ के 5-5 नाम लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी हम भोलेनाथ के काफ़ी नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं और भोलेनाथ को अपना बना देना चाहते हैं। आपकी बार हम हर दिन आपको 5 नाम का स्मरण ज़रूर करवाते हैं हम, और साथ के साथ श्रवण भी यानी सुनाते भी हैं। आज की वीडियो का पहला नाम, लेकिन नंबर वाइज अगर चलते हैं तो 96 यानी 96, हरि यानी विष्णु समरूपी। अगला नाम है पुष दंत वित्त, पूषा के दांत उखाड़ने वाले। भाई हमारे भोलेनाथ जो हैं ये अलग ही हैं, कई रूप हैं, कई स्वरूप हैं इनके, हर रूप में इनसे आप फायदा ही फायदा पा सकते हैं। इनकी भक्ति में लीन होकर के अपने जीवन की सारी समस्याओं के समाधान निकाल सकते हैं। अव्यग्र यानी व्यथित ना होने वाले, दक्षा द्वरहर, दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले। और अगला नाम है हरा यानी पापों को हर लेने वाले। ये नाम है 5 आज के। इसे आपने सुन लिया, लेकिन संध्या के समय से फिर से एक बार ज़रूर सुनिएगा। अगला नाम फिर से दोबारा एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ताकि आप फिर से इसे सुने, और शाम को जब आप इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करें इसे दोबारा सुन लीजिएगा। हरि, पूष दंत वित्त, अव्यग्र, दशाद्वर हर, हर यानी पापों का नाश करने वाले, ये नाम है आज के भोलेनाथ के। अब बढ़ते हैं आगे, गोचर की बात करते हैं, ट्रांजिट की बात करते हैं, और उसके बाद राशियां भी होंगी, उसके बाद आपके लिए लकी विजेता भी हैं। साथ के साथ एक छोटा सा उपाय है जो भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, लकी अक्षर भी है। गोचर यानी ट्रांजिट की बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य रहेंगे कर्क राशि में 16 डिग्री के, चंद्रमा रहेंगे 7 डिग्री के हैं कन्या राशि में रहेंगे, मंगल रहेंगे 25 डिग्री के मेष राशि में राहु के साथ हैं, बुध रहेंगे 2 डिग्री के हैं सिंह राशि में रहेंगे, गुरु हैं 15 डिग्री के, रेट्रो हैं स्वराशि मीन राशि में हैं, शुक्र हैं 24 डिग्री के मिथुन राशि में रहेंगे, शनि रहेंगे मकर राशि में, रेट्रो हैं 29 डिग्री के हैं, राहु मेष राशि में है मंगल के साथ है, और केतु है तुला राशि में। लकी अक्षर भी होगा, लकी विजेता भी होगा, और साथ के साथ राशिफल भी होगा। तो सबसे पहले नज़र आप ही की राशियों पर, आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों का आपने खास करके ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो बेझिझक आप कर सकते हैं जिससे आपका नुकसान नहीं हो। चलिए पहली राशि
मेष राशि। माता जी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिएगा आज के दिन। सेहत के साथ किसी भी तरीके का समझौता ना करें, अपनी हेल्थ को भी आप सर्वोपरि रखें, अपने काम स्वयं करने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का प्रयोग आप आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, दूसरों के क्रोध के शिकार हो सकते हैं, यानी गुस्सा दूसरे का आएगा, सामने आ जाएंगे तो आपके ऊपर बरस जाएगा, तो आज थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। दिखता है कि सामने वाले को गुस्सा है, खिसक लीजिए थोड़ी देर से। वैसे कहते हैं कि हर काम में खिसकना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ खिसकेंगे तो उनकी भी भलाई है, आपकी भी भलाई है। मानसिक स्थिति आपकी पहले से काफ़ी बेहतर हो सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, अहंकार में आकर के अपने काम स्वयं खराब ना करें, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखें, सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी में बदलाव के पूरे योग बन रहे हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। कर्क राशि यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, पढ़ाई को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। नज़रअंदाज करेंगे तो कोई ना कोई एक बड़ी अचीवमेंट डेवलपमेंट आपके हाथ से निकल सकती है। अचानक धन लाभ की संभावनाएं हैं, अपने स्वास्थ्य की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात कर लेते हैं, गुस्सा आज के दिन आपको ज़्यादा आ सकता है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ठंडा पानी पीजिए, शांत होने का प्रयास कीजिए। रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, रुके हुए कार आपके पूरे होंगे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कन्या राशि यानी वर्गों की बात कर लेते हैं, किसी से झगड़ा नहीं कीजिएगा आज के दिन, क्योंकि झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसे कभी भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल लगेगी आपको, तो कोशिश कीजिए आज झगड़े से दूर रहें। मित्रों के ऊपर अधिक धन अधिक पैसा खर्च मत कीजिएगा। धन के लेन देन में अगर कहीं आपकी आज को डील करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अब हैं आपके लकी विजेता। कौन है आपके लकी विजेता? जिनको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा और जिनका नंबर आ जाया है। चलिए बात करते हैं, आज हैं हमारे जो लकी विजेता हैं वो हैं अली शेठ जी हैं। इन्होंने अपनी कुंडली डाली है और ये कुंडली जो है इन्होंने बेटे की डाली है, लेकिन आपने भी वही गलती की है जो सब लोग कर रहे हैं, आप पूरी डिटेल डाला करें। आपने 25 जुलाई 2012 सिर्फ इतना डाला है, बाकी आपने कुछ भी नहीं डाला है। चलिए हम अगर नाम से राशि से चलते हैं तो आपकी मेष यानी एरीज बनती है, बाकी जवाब मैं आपके ट्रांजिट यानी गोचर से देते हैं। आपने कहा है कि बेटे के बारे में बताएं, थोड़ा सा बच्चा जिद्दी है, ज़रा इसी की तरफ नज़र रखने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है। इसकी सारी आप चीज़ें पूरी कीजिए, लेकिन जो एक्सेस अगर ये डिमांड करता है तो ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन भी करना शुरू कीजिए कि बच्चे को अगर आप सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन आपको एक राइट होता है कि बच्चों को ये पूछना कि चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, और आपने इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि कहीं उसका मिस यूज़ यूटिलाइजेशन जो है वो गलत तो नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस बच्चे से जितना हो सके आप कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर कराएं, दान करवाया करें, और ख़ास करके शनिवार के दिन कुछ ना कुछ इस बच्चे के हाथ से दान ज़रूर करवाया करें। जब भी ये बच्चा सो करके उठे, कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इसे थोड़ा सा गाइड कर सकें कि अपना राइट कदम सबसे पहले ज़मीन पर रखें, बहुत जल्दी इस बच्चे के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे और ये बच्चा बहुत अच्छा निखर करके सामने आएगा, बट थोड़ा सा आपको इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस हिम, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी ये बच्चा आपका अच्छा निकलेगा। हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी कुंडली जो है वो पूरी डिटेल जो है वो प्रॉपर डिटेल डाला करें, ताकि आपकी कुंडली बहुत अच्छे से देख सके। अब मेरी तरफ से तो इस बच्चे के लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुंडली डालें तो पूरी डिटेल डालें और कंप्लीट प्रश्न भी डालें।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और स्वयं भी आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। परिवार के सारे सदस्यों से कहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत आगे बढ़ाएं, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ करके हर सुबह 6 बजे अपनी कुंडली ज़रूर देख सकें। अगली राशि है तुला राशि, यानी लिब्रा की बात करते हैं। गलत काम करने से बचें, व्यवसाय में बढ़ोतरी के योग हैं, बच्चों के साथ ज़रा नरमी से पेश आएँ। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, काम में आपको मान सम्मान तो मिलेगा ही, लेकिन अपने काम में थोड़ा सा अटेंटिव रहें। अपनों के साथ मनमुटाव की संभावनाएं बन सकती हैं, अपने स्वभाव के अंदर थोड़ी सी नरमी लेकर के आए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले यानी सेजिटेरियस, अपने दिमाग से काम लें, नौकरी में तरक्की के पूरे पूरे योग हैं, बड़ों के साथ बहस बिल्कुल ना करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको खतरे में डाल सकती है, यानी आप स्वयं तो काम करेंगे नहीं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रह जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको खतरे में डाल सकती है। धन का खर्च आपका बढ़ सकता है, क्रोध के चलते आपके काम बिगड़ सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात कर लेते हैं, मेहनत करेंगे तो आपका रुतवा, आपका स्टेटस ज़रूर बढ़ेगा। बेवजह सामने वालों के साथ आप बहस ना करें। गाड़ी अगर आप ड्राइव करते हैं तो बहुत ही ध्यान से चलाएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि, अपनी गाड़ी के पेपर्स ज़रा ध्यान से आज के दिन चेक कर लीजिए। धर्म के कार्यों से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जीवन साथी का ध्यान रखिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। लकी अक्षर जो आपके दिन को लकी बना जाए, कौन सा है वो अक्षर, चलिए 6, छतरी वाला। बारिशें बहुत हो रही हैं, छतरी तो ज़रूर ले लीजिए, अपने साथ ज़रूर कैरी करके रखें, बट अक्षर आपका है 6, छतरी वाला। मेरे को अपने अक्षर के बारे में कुछ लोगों ने अपनी सजेशन डाली है कि मैम अक्षर अगले दिन का बताया करें, ताकि हम लोग उसकी तैयारी कर सकें। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुझाव जो आपने भेजा है। मेरे व्हाट्सएप पर बहुत लोगों ने मैसेज डाला है कि अगले दिन का अक्षर बताइए, ताकि हम जल्दी से उसकी तैयारी कर सकें। चलिए आज तो मैं आज का तो अक्षर बता ही रही हूँ, पर अगले दिन का अक्षर भी मैं आज ही बता दूंगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आगे से कंटिन्यूशन में मैं अगले दिन का अक्षर जो है वो आपको बताना शुरू कर दूंगी, ताकि आप वाकई ही, मैं भी चाहती हूँ कि आप उसकी तैयारी कर लें और उस अक्षर के बारे में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसे अपने साथ रखें और उसका सही यूटिलाइजेशन जो है वो आप कर सकें। अब तो आज की बात कर रहे हैं तो ट्यूसडे का दिन है, आज के दिन जो आपने अक्षर का इस्तेमाल करना है वो है 6, छतरी वाला अक्षर। इसे आपने कैसे करना है, लाल रंग की मसूर वाली जो दाल है उसे आप थोड़ा सा पीस लीजिएगा। पीसने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी रोली मिला लीजिए। रोली मिला करके आपने इस अक्षर को कागज़ के ऊपर लिखना है, लेकिन कागज़ के ऊपर जब आप ये अक्षर लिखें, अक्षर लिखने के बाद उसके ऊपर चुटकी से थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी रोली, ड्राई रोली इसके ऊपर फिर से डाल देनी है। इस कागज़ को फोल्ड कर लेना और इसे आप अपने पॉकेट में डाल करके रखें, लेकिन पॉकेट का ये ध्यान रखिए कि आपकी पैंट की पॉकेट नहीं, ऊपर चेस्ट के ऊपर, यानी आपने नाभि से नीचे इस अक्षर को नहीं रखना है दिन भर। अगर आपके पास वॉलेट है वॉलेट में डाल दीजिए, मोबाइल है मोबाइल के पिछले हिस्से में, जो आप बहुत अच्छे अच्छे कवर्स लगा के रखते हैं वहाँ लिख दीजिए, वहाँ डाल दीजिए, ताकि आपके ऊपरी हिस्से में ही ये अक्षर रहे। दिन भर अपने साथ रखिए और कल सुबह इस अक्षर को किसी भी पेड़ पौधे की जड़ के मिट्टी में दबा दीजिएगा। आप दिन भर सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, और साथ के साथ आपके रुके हुए काम जो है वो पूर्ण होंगे। बट हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि ये राशिफल है सुबह सुबह 6 बजे ही आ जाता है, तो 6 बजे से लेकर के बहुत समय होता है आपके साथ, आपके पास, आप इजीली अगर आप चाहें तो इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके तो आप अपने लिए एक एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें हम नहीं बताते हैं, हम ऐसी चीज़ें बताते हैं
जो आपके घर के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम आगे जा करके कुछ समय हम थोड़े अगले दिनों का अक्षर भी बताया करेंगे, लेकिन हम फिर चाहेंगे कि आप 6 बजे की वीडियो ज़रूर देखना शुरू कर दीजिए। बट आपके सुझाव के चलते हम चाहते हैं कि अगले दिन का अक्षर हम आज ज़रूर बता देते हैं, क्योंकि हम नाराज़ किसी को भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत विश्वास के साथ हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और हम चाहते हैं आपका विश्वास यूं ही बना रहे। कल बुधवार का दिन है और बुधवार को आपने कौन सा अक्षर जो है इस्तेमाल करना है। आपने कल के दिन ज अक्षर जहाज वाला अक्षर जो है आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने इसे लिखना है, एक एरो बनाना है कागज़ के ऊपर। यानी कागज़ के ऊपर आप जब एरो बना लेंगे, मैं आपको इसको थोड़ा सा बता भी देती हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। मैं आपको एक एरो बना करके बता रही हूँ और आपने ऐसा ही कुछ एरो बना करके, ये एरो बनाया है आपने, लेकिन यहाँ पे आपने इस प्लेस के ऊपर आपने ये अक्षर लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, एरो आपका नीचे से ऊपर जाता हुआ होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, एरो आपका नीचे से ऊपर जाता हुआ होना चाहिए और ऊपरी हिस्से में आपने ज अक्षर लिखना है। अब इसे लिखना है आपने तुलसी के पत्तों को मसल करके, जो रस निकलेगा उस रस से आप राइट हैंड की सेकंड फिंगर से लिख सकते हैं, और इसे आपने फोल्ड करके अपने साथ लेकर के जाना है, पूरा दिन अपने साथ रखना है। और अगली सुबह इसी अक्षर को, कागज़ के टुकड़े को आपने तुलसी के पेड़ पौधे की जड़ में ही रख देना है। इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी, इससे आपके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। तो हमने एडवांस अक्षर दे दिया कल का अक्षर, तो अब आपकी शिकायत मुझे लगता है दूर हो गई होगी। हम कोशिश यही करेंगे कि एक दिन पहले आपको अक्षर बता दिया करेंगे, लेकिन आज के दिन आपने भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो क्या करना है। अगर आपको धतूरा मिल जाए, 5 धतूरे ले लीजिए, 5 धतूरों की एक माला बनाइए, लेकिन इसे लाल धागे के अंदर ही बनाइए। 5 धतूरों की माला जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। आज के दिन भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे, लेकिन कोई खास मनोकामना है तो दिल में ज़रूर रख लीजिएगा, वो भाप जाएंगे कि आपको क्या देना है। यकीन मानिए, भोले हैं, जल्दी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कल सुबह 6 बजे आपने फिर से राशिफल के साथ फिर से मेरे सामने बैठ जाना है, लेकिन राशिफल तो मैं ही लेकर आऊँगी ना, तो आप तो बैठेंगे। बट हाँ, हम चाहते हैं आप अपने कार्य भी करें, बट इस राशिफल को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, और बहुत सारे लोगों तक आपने पहुँचा करके स्पेशली उन्हें कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन अपनी राशिफल भी देखें, लेकिन साथ के साथ लकी विजेता का इंतज़ार भी करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।